हे गाइस, क्या हाल है सबके। फिर से एक और नई वीडियो में सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो होगी उसमें हम डायनामाइट बेलियल का रिव्यू करने वाले हैं। और इससे पहले मैं कह रहा हूँ कि जो गिव अवे था वो मैंने थोड़ा सा टाइम के लिए डिले कर दिया है। मेरे को कोई अच्छा सा रास्ता ढूंढना पड़ेगा क्योंकि जो भी दो विनर्स मिले हैं उनमें से एक तो मेरे को मिल गया है, लेकिन भाई उसका मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट डिटेल कुछ भी नहीं है। और कोई भी आके वो बन के फेक आईडी बना के उसकी मेरे को मैसेज कर रहा है और कह रहा है मैं हूँ वो हूँ। तो भाई मैं हो चुका हूँ परेशान, सही बताऊँ तो। और ऐसे ही चलता रहा तो मैं गिव अवे आगे करूँगा भी नहीं। जब तक मेरे को कोई अच्छा सा रास्ता नहीं मिल जाता तो भाई तब तक तो नहीं कर पाऊँगा मैं। हाँ बट हाँ, ज़रूर करूँगा ज़रूर मैं। तो देखते हैं भाई अभी तो। भाई चलो ओके। तो ये है डायनामाइट बेलियल, ये है अभी लो मोड में। और मतलब पहले भी मैंने अनबॉक्स किया है इसका, वो भी टूटा हुआ मिला था मेरे को। ये भी कुछ इतना वो नहीं है लेकिन ठीक है, ये उससे ठीक है। तो ये इसकी डिस्क है और काफ़ी पैक बेबलेट कह सकते हो इसको, मतलब अच्छे से फिट हो जाता है सब कुछ इसके अंदर। देखो मतलब सही हो गया बिल्कुल एक नंबर। तो भाई ये है डायनामाइट बेलियल और मेरे ख्याल से ये वेलक्री से इंस्पायर्ड है ये बेबलेट थोड़ा सा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी कुछ कह नहीं सकते गाइस, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। कोई भी बेबलेट किसी से इंस्पायर, ये भी कुछ मतलब ठीक है। हाँ तो गाइस इसका देखते हैं, अभी टेस्ट स्पिन करते हैं और कुछ बेबलेट से इसकी फाइट करते हैं। और पहले इसका वेट चेक कर लेते हैं, वेट कितना होगा इसका। हाँ तो जब तक मैं वेट चेक करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो भी चैनल पे नया है। हमारा इस मंथ का टारगेट है 1,20,000 सब्सक्राइबर्स का, देखते हैं क्या पता हम कर पाएं। और इसका 61 ग्राम है भाई, हल्का है ये, स्प्रिगन से हल्का है। स्प्रिगन का काफ़ी ज़्यादा है भाई, और 15 ग्राम ज़्यादा है भाई। मतलब ये बहुत बहुत ज़्यादा ही हल्का है यार ये तो इससे। मतलब देखो एक बार, 15 ग्राम ज़्यादा है स्प्रिगन का भाई। ये कुछ अलग ही लेवल के नशे हो रहे हैं गाइस। इसका देख लेते हैं, इसका ठीक है, मतलब स्प्रिगन का ही ज़्यादा है। बाकी इसका भी 5 ग्राम ज़्यादा है बेलियल से, तो मतलब बेलियल हल्का बेबलेट है गाइस। ओके तो बेलियल की अभी टेस्ट स्पिन करते हैं। चलो भाई 3, 2, 3, 2। ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, 3, 2, 1। ओह ये, और गाइस ये भी एक टाइप से अटैक टाइप बेबलेट ही है। और काफ़ी मतलब मेरे को अच्छा लगा था ये बेबलेट, लेकिन मैंने जब मंगाया तो मेरा इसका मन भर गया था क्योंकि ये ख़राब मिला था मेरे को, सही बताऊँ तो। तो अभी देखते हैं भाई कितना अच्छा निकलता है ये बेबलेट हमारा। ये करते हैं हेल कर भी इससे फाइट इसकी, 3, 2, 1। ओ शिट, तो भाई ये एक जगह टिकने को रेडी नहीं है हमारा बेबलेट। इसके अंदर ये रबड़ का नहीं है, रबड़ का होता है वैसे ये, बट काम वही करता है फिर भी। रबड़ रबड़ जैसा तो नहीं करता लेकिन हाँ अटैक करता है भाई। क्या चक्कर है, स्टेडियम में रह ले भाई, लूसीफर वाले काम मत कर, मेरा दिमाग सटक जाएगा फिर। लूसीफर जैसे, लूसीफर बाहर जा रहा था वैसे ही ये जा रहा है, हर फाइट में बाहर नहीं जाते भाई। 3, 2, 1। बच गया, इस बार भी बाहर जाते हैं। अरे अरे भाई, एक के साथ एक टक्कर, मतलब एक के बाद एक टक्कर और बर्स्ट कर दिया इसको। मतलब अटैक तो काफ़ी अच्छा करता है डायनामाइट बेलियल। अभी करते हैं इससे, ये मेरा फेवरेट है। 3, 2, 1। अरे 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 अरे, बर्स्ट नहीं हुआ अभी तक इससे वेल्ट्री एक्ट। अरे भाई बस नहीं हुआ गाइस, एक क्लिक से रह गया जेनेसिस वेल्ट्रियक। तालियां होनी चाहिए, जेनेसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेबलेट है गाइस। वर्ल्ड स्प्रिगन से करते हैं अभी, वर्ल्ड स्प्रिगन लेफ्ट साइड है तो मेरे को लेफ्ट लॉन्चर ढूंढना पड़ेगा पहले, इसको कर लेते हैं तब तक राइट वाले को। ये है एस्ट्रल स्प्रिगन, 3, 2, 1। भाई बहुत ज़्यादा पावर है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा डायनामाइट बेबलेट के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है दोनों के अंदर ही। चलो भाई 3, 2, 1। क्या 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 क्या,
ओ भाई ये फाइट नहीं करना चाहते गाइस, अब तो करनी पड़ेगी। 3-2-1 यार, इसको क्या दिक्कत है, मतलब हद है यार। चलो भाई हो गया, हद हो गई भाई, सीधा बाहर जाता है। 3-2, 3-2, अभी भी बाहर गया भाई, अभी भी बाहर गया। क्या यार, क्या सीन है इसके भाई, बुरा लग रहा है मेरे को, सही बता रहा हूँ मैं। हर बार बाहर थोड़ी जाते हैं यार, इसका चेंज कर देता हूँ पोजीशन, शायद कुछ चेंज हो जाए मेरे एंगल के लॉन्च करने का, कुछ तो होगा ही यार, ऐसे बाहर नहीं जाते होते। 3-2-1 मेरे को एक फाइट करनी है ढंग से, लेकिन स्टेडियम के अंदर रहें तब तो फाइट करें, बाहर 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 बाहर। चलो भाई फाइनली एक फाइट हुई, और जिसमें बेलियल हारना ही था, कंफर्म था। 15 ग्राम हैवी है इससे, बाकी इनकी फुल फाइट करके देखेंगे, क्या पता जीत जाए बेलियल। अभी करते हैं रेगना रोक से, रेगना रोक। चलो रेगना रोक वर्सेस ये। 3-2-1 और बेलियल लॉन्च नहीं हो पाया अच्छे से, बट देखते हैं क्या कर पाता है ये, नहीं तो इनकी फाइट अलग अलग कर लेंगे, एक ही लॉन्चर से कर लेंगे। ओके मेरे को ये बेबलेट है ना, इसका कलर काफी शानदार लगता है यार, ऑरेंज कलर। 3-2-1 क्या 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 भाई, बर्स्ट होके अभी स्टेडियम में क्यों आना, बाहर ही रहता। हद है भाई, बेलियल डायनामाइट, बेलियल को स्टेडियम पसंद नहीं है गाइस, पता नहीं क्यों, लेकिन पसंद नहीं है डायनामाइट बेलियल को स्टेडियम। मुझे बताओ क्यों नहीं है पसंद डायनामाइट को। अरे भाई क्या हो गया अब इसके, यार क्या चक्कर है ये। चलो भाई 3-2-1 अरे भाई 3-2-1 ओए यार भाई, इसका कुछ इलाज बताओ मेरे को। हर बेबलेट बाहर जाएगा स्टेडियम से, सो फाइट कौन करेगा। फिर मेरे पास एक ही इलाज है, मैं दूसरा स्टेडियम ले लूंगा जिसमें बाहर ही ना जा सके। छोड़ो भाई। हाँ तो गाइस कैसा लगा ये बेबलेट, बाहर जाने वाला बेबलेट, हर बैटल में बाहर नहीं जाते, इसको कोई समझाए। तो भाई चलो ये इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और हाँ वीडियो का लाइक एम रखते हैं 3K लाइक्स। गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, गेमिंग चैनल पे नई वीडियो आने वाली है, नई वीडियो तो वैसे ही आती रहती है, एक दिन में एक ही नहीं तो दूसरे दिन तो आ ही जाती है वीडियो वहाँ पे, तो चेक करते रहो यार, सब्सक्राइब कर दो। नया एम लाइक एम नहीं, नहीं नया सब्सक्राइबर एम रखते हैं उसका 6K, 6,000 सब्सक्राइबर्स का।